मंडी से सांसद कंगना रनौत के बयान क्या बीजेपी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं? कुछ ही समय में कंगना ने ऐसे दो बयान दिए जिसका जवाब देना पार्टी को भारी पड़ रहा था, इसीलिए बीजेपी ने कंगना के बयान से तुरंत किनारा कर लिया। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि वो बीजेपी की ओर से बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को लग रहा है कहीं कंगना का बड़बोलापन पार्टी के लिए नुकसानदायक न हो जाए। पहले किसान आंदोलन और फिर अब तीनों कृषि कानूनों को लेकर कंगना ने जो कहा है उससे पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ सुर उठने लगे हैं। कृषि कानूनों को लेकर कंगना रनौत ने पहले कहा कि मुझे पता है कि विवाद होगा, लेकिन मुझे लगता है कि निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए, किसानों को भी इसकी मांग करनी चाहिए। कंगना के इस बयान से बीजेपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में नुकसान होने की संभावना भी अब जताई जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर वोटिंग है। हरियाणा में पिछले एक दशक से बीजेपी की सरकार होने से पार्टी को पहले से ही एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। अग्निवीर, किसान और बेरोजगारी जैसे मुद्दे चुनाव में हावी हैं। जनता में बीजेपी सरकार के खिलाफ कई बार नाराजगी भी देखी गई। इसके अलावा टिकट कटने की वजह से भी बीजेपी कई नेताओं की बगावत झेल रही है। ऐसे में कंगना के तीनों कृषि कानूनों को वापस लाने की मांग करने वाला बयान हरियाणा में बीजेपी को और नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया और कहा कि यह उनका निजी बयान है। इधर जैसे ही कृषि कानूनों पर कंगना रनौत का बयान आया, विपक्ष को एक और बड़ा मुद्दा मिल गया। कांग्रेस ने मौके पर चौका मारते हुए उसे हरियाणा चुनाव में भुनाने की तैयारी अब शुरू कर दी है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपनी हर रैली में कंगना के बयान का जिक्र कर रहे हैं और जनता के सामने ये मैसेज भी दे रहे हैं कि वो इन काले कृषि कानूनों को फिर से वापस नहीं आने देंगे। कांग्रेस के हमले से बीजेपी बैकफुट पर है। खुद भाजपा प्रवक्ता को सामने आकर ये बोलना पड़ा कि कंगना के बयान उनका जो है निजी विचार है, वो किसी भी मुद्दे पर पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। अब इस बयान को आसानी से समझा जा सकता है। पिछले महीनों इमरजेंसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिससे विवाद खड़ा हुआ था। कंगना ने कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होते देर नहीं लगती। किसान आंदोलन के समय उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और लंबी प्लानिंग थी, वहां रेप और हत्याएं भी की गई थी। कंगना के इस बयान को लेकर भी पंजाब में काफी विरोध हुआ था। बीजेपी ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा था कि कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन को लेकर दिया गया बयान पार्टी का बयान नहीं है। बीजेपी कंगना रनौत के बयान से असहमत है, तो क्या अब कंगना के बयान कई बार बीजेपी के लिए सिरदर्द बन जाते हैं? खासकर अभी हरियाणा में चुनाव हो रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव होने हैं, इसीलिए बीजेपी अभी कंगना के बड़बोलेपन से कोई नुकसान नहीं झेलना चाहती है।